हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं आज का सवाल जो हमें भेजा है विजय जी ने, और वो पूछते हैं, हाय अमित, मैं मार्केट में कुछ 3-4 महीनों से काम कर रहा हूँ। मेरा सवाल टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड नहीं है, पर मुझे ये जानना था कि अगर मुझे 3-4 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या मुझे पैसा निकालना चाहिए कि नहीं। हे विजय, थैंक्स फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। देखो, यूजुअली अगर हम प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट इस साइकिल में ही फंस गए हैं तो जवाब काफी ऑब्वियस है। ऐसे टाइम पे हम प्रॉफिट को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पर सवाल तब क्रिटिकल बन जाता है जब से एंड ऑफ द वीक या तो एंड ऑफ द मंथ हम अपने अकाउंट में काफी प्रॉफिट देखते हैं। मेरे ख्याल से हमें अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर ही लेना चाहिए। आप मानोगे नहीं, पर ये चीज हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे काफी प्रभाव डालती है। देखो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कोई भी टाइम पे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ उतने ही पैसे होने चाहिए जिससे कि हम अपने ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से ऑपरेट कर पाए। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कुशन भी हमें वहाँ पे ऐड करना होगा। अभी मान लो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 1,00,000 है। अभी ये तो बस एक राउंड नंबर है ताकि कैलकुलेशन के लिए हमें काफी आसानी हो। पर मान लो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट मुझे सिर्फ 50,000 ही अलाउ कर रहा है, तो बची हुई रकम मेरे पास एक ट्रिमेंडस बट एक्सेसिव बाइंग पावर बन के रह जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही मीठी सी छुरी है जो कभी भी मुझे अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आसानी से अटेम्प्ट कर सकती है। मान लो अगर मेरा ट्रेडिंग प्लान सिर्फ मुझे 100 शेयर बाय करने की परमिशन दे रहा है, पर अभी मेरे पास मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी एक्सेसिव पावर है कि मैं कभी भी अपनी क्वांटिटी को 150 से 200 तक इंक्रीज कर सकता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट में हमारा मकसद सिर्फ पैसा बनाना ही होता है, और क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ये वो कंसेप्ट है जो एज ए ट्रेडर हमारे बैक ऑफ द माइंड एकदम फिक्स्ड हुआ होता है। तो मैं वो एक्सेसिव पैसा यूज क्यों ना करूं, राइट? मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ये टेम्पटेशन को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर आप मेरे जैसे हो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट ही है। ये तो वही बात हुई कि किसी को अगर समोसे बहुत पसंद है और रोज ऑफिस से घर लौटते हुए 2 समोसे पार्सल लेके जाने की जिसकी आदत भी है, वो बंदा अगर कल जाके हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है तो क्या फिर वो शाम को हमेशा की तरह 2 समोसे घर लेके जाएगा और उसे सामने रख कर अपने टेम्पटेशन को चेक करते बैठेगा? ऑब्वियसली नहीं ना। अगर वहाँ पे मैं हूँ तो फिटनेस का ख्याल आने से पहले ही वो समोसे मेरे पेट में होंगे। दोस्तों, जोक्स अपार्ट, ट्रेडिंग में बिल्कुल यही होता है। अगर अपने अकाउंट में बाइंग की एक्सेसिव पावर है तो फिर हम आसानी से टेम्प्ट होकर कभी भी अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये बात आपने भी गौर की होगी कि पेशेंस, डिसिप्लिन, यार ये वाला ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए था, या तो ये वाला ट्रेड हमें तो लेना ही चाहिए था, पता नहीं कैसे मिस हो गया। ये सारा पंडितों वाला ज्ञान ना दोस्तों हमें मार्केट बंद होने के बाद ही सूझता है, पर कभी गलती से भी ट्रेडिंग करते हुए हमें ये ध्यान में नहीं आता। दोस्तों, ये पावर होती है अपने टेम्पटेशन की, अपने इमोशंस की। तो इसीलिए दोस्तों, एज अ स्मार्ट ट्रेडर हो सके उतना हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। अपने सारे ट्रेड्स हमें मार्केट चालू होने से पहले ही प्लान करके रखने होंगे। चार्ट पर आज मैं क्या देखना चाहता हूं, क्या हुआ तो ही मैं ट्रेड ले लूंगा, क्या हुआ तो मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा, मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरी टारगेट्स कहाँ होंगे, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, वैसे ही मेरी क्वांटिटी मतलब मैं कितने शेयर्स बाय करूंगा, ये सारी बातें हमारे ट्रेडिंग प्लान में आती है। दोस्तों, समोसे घर लाकर उसे देखते देखते हमें अपने टेम्पटेशन को टेस्ट नहीं करना है। अगर मैं सीरियसली हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो फिर मुझे ऑफिस से घर लौटते टाइम समोसे लाने ही नहीं है। ठीक वैसे ही अगर हमें पता है कि मुझे ट्रेडिंग प्लान से सिर्फ 50,000 तक की परमिशन है तो फिर मुझे 1,00,000 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखने ही नहीं है। और वैसे भी दोस्तों, हमें कभी भी अगर जरूरत पड़ रही है तो बस कुछ मिनट्स में ही हम यहाँ से वहाँ पैसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पर ये पता होना ही कि मेरे पास पैसे हैं, बस मैं मेरे ट्रेडिंग प्लान के लिए ही डिसिप्लिन से वो यूज नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, ये पता होना ही अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, और ये कॉन्फिडेंस ही है दोस्तों जो हमें बाकी सबसे 2 कदम आगे रखता है। तो दोस्तों, ये था मेरा मानना। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हूँ, हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ मिस भी कर दिया हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी राय या तो सजेशन, आइडियाज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, या तो उससे भी बेस्ट आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो।
हो। मेरे ईमेल एड्रेस भी आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, अभी जरा हम अपने कुछ ट्रेड की एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो फिर मैं ये चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप मेरी ये वाली दो वीडियोस को जरूर देख लेना, ताकि बाकी बची हुई वीडियो भी आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए। दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है पंजाब नेशनल बैंक का आरले चार्ट। अगर आप चार्ट के लेफ्ट साइड पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको ये बात साफ पता चल जाएगी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि वो उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पे बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एज ए रिजल्ट ये जगह बाय करने के लिए काफी डेंजरस हो जाती है। आप देख सकते हो कि कैसे थोड़ा ऊपर जाने के तुरंत बाद ही प्राइस नीचे के साइड टर्न हो रही है। हमें यहाँ पे वेट करना है, लेकिन जैसे ही प्राइस उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के बैरियर को तोड़ देती है, सेलर्स धीरे धीरे बाहर निकलना चालू हो जाते हैं और बायर्स अभी पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। दोस्तों, हमें ये तो बिल्कुल पता है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। हम प्राइस की ये 70 रुपीज से 85 तक की मूव को सिर्फ देखेंगे। ये प्राइस की दोस्तों स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें बाय तो वीकनेस में करनी होती है, और एग्जैक्टली इसलिए हम अपने दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं जो है स्टोकास्टिक। हम ये चाहते हैं कि स्टोकास्टिक की दोनों लाइनें उसके ओवरसोल्ड जोन में, मतलब उसके 20 के लेवल पर या तो उसके आसपास ही हो। देखो, प्राइस को उसके 50 वाले मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, वो उसे तोड़ कर नीचे नहीं जा रही है। देखो दोस्तों, एज ए ट्रेडर हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है, और वो है लगातार बैक टू बैक प्रॉफिट में रहना, राइट? पर सवाल ये है कि मार्केट में पैसे आखिर बनते कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पैसे तभी बनते हैं जब हम मार्केट के पावरफुल सेटअप्स को बनते हुए आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि जब वो हम देखे तो हम उसमें एंट्री ले पाए, और फिर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाने लगे हम अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर निकल आए। मार्केट चालू होने के पहले ही हमें अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ये सब चीजों को डिसाइड करना होता है। फिर मार्केट चालू होने के बाद हमारा काम सिर्फ अपने फेवरेट सेटअप को, जो हमने न जाने कई बार यूज किए हैं, उसे बनते हुए देखने का ही रह जाता है। देखो कैसे अप ट्रेंड में प्राइस ने एक हल्की सी गिरावट दिखाई है, स्टोकास्टिक्स ने वो परफेक्टली कैच किया है। ठीक यहाँ पे होगी अपनी एंट्री, और यहाँ इस लेवल के नीचे होगा अपना स्टॉप लॉस। देखो कैसे गैप अप देकर प्राइस ऊपर भाग रही है, कुछ ठीक यहाँ पे हमें अपने ट्रेड से बाहर निकल जाना है। दोस्तों, जब हम स्टॉक के मेजर डायरेक्शन की तरफ ट्रेड करना चालू कर देते हैं, ये गैप अप गैप डाउन बड़ी बड़ी कैंडल्स अब हमारे दोस्त बन जाते हैं, यही है जो हमारे लिए उतने ही फास्ट पैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग स्टॉक की एक खासियत ही होती है कि प्राइस काफी एग्रेसिव होती है, हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती रहती है। कुछ 94-95 को टच करने के बाद प्राइस ने दोबारा से एक पुल बैक लिया है, प्राइस नीचे आई, स्टोकास्टिक्स भी नीचे आया, हमारी एंट्री कुछ यहाँ पे होगी और यहाँ होगा अपना स्टॉप लॉस। देखो बस कुछ कैंडल्स में ही प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जब प्राइस यहाँ पे होती है तो पॉसिबल है कि हम भी थोड़े से ग्रीडी हो जाए, थोड़े और प्रॉफिट के चक्कर में हमें स्टॉक को कुछ दिन और होल्ड करने की इच्छा हो जाए, पर यहाँ पर हमें अपने इमोशंस पे काबू पाना है। जब बाकी सारे लोग यहाँ पे बाइंग करने आ जाएंगे, एग्जैक्टली वहीं पे हमें ट्रेड से बाहर निकलना होगा। देखो, हमने यहाँ पे कुछ 2 या 3 रुपए की रिस्क ली है, और उसके बदले में हमने पूरे 5-6 रुपए का मुनाफा पाया है, और वो भी सिर्फ 2-3 दिन में ही। अमेजिंग, राइट? दोस्तों, ये आप भी आसानी से कर सकते हो, बस आपको आपके ट्रेडिंग को देखने का अंदाज थोड़ा सा बदलना होगा, फिर वो डे ट्रेडिंग हो या तो स्विंग ट्रेडिंग, मार्केट के बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज को हमें चुनना है, ज्यादा नहीं, पर उस थोड़ा टाइम निकालकर आपको आपके चार्ट्स को स्टडी करने होंगे। लेकिन अगर आप रोज रोज उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और ट्रेडिंग में इंटरेस्ट भी रखते हो, तो फिर आपके लिए मेरी 100 रुपए वाली एक छोटी सी सर्विस है, जिसमें आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की एक वॉच लिस्ट मिल सकती है, और उसके साथ साथ मेरे इंट्राडे के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।